डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। महोदय, आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है उसके अनुसार हमारा देश गरीब देश माना जाता है। हमारे यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति औसत आय जो $300 होनी चाहिए, हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है। यदि इससे कम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय होती है तो वह गरीब देश कहलाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश की गणना ऐसे देशों में आती है। जब हम अपने देश की प्रगति की बात करते हैं तो हमें उन मानदंडों पर जाना पड़ेगा जिन्हें अपनाकर हम इस देश की प्रगति कर सकते हैं और यह देश विकास कर सकता है। मान्यवर, जहाँ तक रोजगार की समस्या का प्रश्न है, हमारे यहाँ रोजगार वृद्धि की अनुमानित दर 2% है जबकि मांग 4% की है। इसको ध्यान में रखते हुए हो 2% बीच में खाई है उसे पाटने की आवश्यकता है। तब हम रोजगार की जो समस्या है उसको हल कर पाएंगे। मोटे अनुमान के अनुसार हम प्रति वर्ष 1 करोड़ लोगों को जब रोजगार दे पाएंगे तब हम बेरोजगारी की समस्या से लोगों को मुक्त कर पाएंगे। ऐसा अनुमान किया गया है लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था। प्रधानमंत्री ने जिस घोषणा पत्र को जारी किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम चलाएंगे और जवाहर रोजगार योजना शुरू करेंगे। इस योजना के अधीन हमने केंद्रीय शासन में विभिन्न राज्यों को राशि आवंटित की लेकिन उसका क्या परिणाम हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया। मैं मध्य प्रदेश का जिक्र करना चाहता हूँ। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो राशि दी गई उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं जिस बात को कह रहा हूँ वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उस पैसे का भाजपाकरण हो रहा है। उसकी धनराशि को सरस्वती शिशु मंदिर को दिया जा रहा है। जिस पैसे को राहत कार्यों पर रोजगार हेतु लगाना चाहिए वह पैसा सरस्वती शिशु मंदिर को आवंटित किया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार केंद्रीय सरकार द्वारा आवंटित राशि का इस प्रकार दुरुपयोग कर रही है। मैंने इस बात का उल्लेख भी किया है कि 1 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। समाप्त।